नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर से वीडियो लेके आए हैं जी। आप देख सकते हो, देखिए आम पशुपालक के जो मुरा के नायाब रंगीन आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी शानदार शानदार भाई ने भैंसे आप देखिए बिल्कुल एक से एक अच्छी जो भैंस ड्यूटी भाई ने अपने घर पर तैयार कर रखी है। देखिए साफ सफाई की बात करें वो भी आप देख सकते हो, देखिए बिल्कुल जो आम पशुपालक ने अपने घर पे देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन तैयार किए हैं। अगर किसी भी पशुधन की बात करें देखिए जो आम पशुपालक की मेहनत कहीं ना कहीं पशुपालक में सबसे ज़्यादा रही है, तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से आम पशुपालक के घर से वीडियो शूट करें। जब भी किसी आम पशुपालक के घर से वीडियो बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं जो भी भाई डिटेल देगा बिल्कुल सच्चाई बातें बताएगा, तो आगे की एक एक डिटेल वो भाई से लेंगे। तो आइए भाई साहब, तो भाई जी राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शक ना आप देखने जा रहे हैं सब ना, राम राम भाई। तो भाई जी सबसे पहले तो अपना नाम एड्रेस कन्फर्म कराओ। मेरा नाम राज है, गांव मटोर है, तहसील कलियात है, जिला कैथल है। तो देखिए मटोर गांव से पहले भी काफ़ी बार जो मटोर गांव से लगातार वीडियो शूट करी है, तो देखिए राजेश भाई मटोर से, तो कलियात से जो किठियाना रोड है भाई साहब उस पर अपना गाँव है, शिशाला रोड पर। शिशाला रोड, हाँ मटोर था जो शिशाला ने जाओ नहीं, नहीं जो अपना मटोर गांव है नहीं, हाँ ये किलियात से किठियाना रोड, हाँ किठियाना रोड पे। तो किलियात से कितने किलोमीटर अपना गांव? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ राजेश भाई। 90, हाँ जी, पूरे 500, ठीक है जी, 31, हाँ जी, 697। तो देखिए राजेश भाई का कॉन्टैक्ट नंबर साथ मिले, तो भाई साहब आज कितनी भैंस दिखाओगे? एक ही भैंस दिखाएंगे भाई, एक ही भैंस दिखाना है। तो देखिए जो एक नंबर ये भैंस आप देख सकते हो, ये भाई ने जो भैंस, इस भैंस की पूरी डिटेल आपके लिए लेंगे। आप देख सकते हो चेहरा मोरा की क्वालिटी या सिंगों की क्वालिटी, जो सींग बिल्कुल नेचुरल सींग है, कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। तो भाई साहब कौन से ब्यांत में भी आएगी? दूसरा ब्यांत में आएगी, अब की बार दूसरी बार भी आएगी। हाँ तो अपने घर किधिया खरीदी हुई है भाई साहब? मोल ले आए थे पिछली गए, पहले ब्यांत में मोल लेकर आए। हाँ तो पहले ब्यांत में ब्याई भी लेके आए थे, आ गया भाई साहब ब्याई भी लेकर आए, तो अपने पास आई उस टाइम कितना दूध था भाई साहब? आप 14 किलो मैं कल आए थे, अपना 16 दे आए, 14 किलो आप तोल कर लेके आए थे अपने घर पे, इसने 16 किलो दिया है। तो 16 किलो दूध इसने पहले भी अंत में, तो लंबा कितना दिया भाई जी? लंबा इतनी दिया भाई 3 महीने छोड़ दिया आपने, 3 महीने यानी जिस टाइम 7 महीने की, हाँ 7 महीने की उस टाइम छोड़ दी थी, तो नीचे की दार चुबाई वगैरह बढ़िया, एक नंबर बढ़िया, बच्चे काटना अपने, कोई भी बच्चा है बच्चा या लगाई कोई काटो कोई निकालो। तो राजेश भाई जो आपने बताया पहले ब्यांत में 16 किलो दूध दिया, और अब की बार दूसरी बार भी आएगी, तो कौन से सीमन से गया पिंड है? ये पंचायती बुलता है अपने गांव में, पंचायती, हाँ पंचायती बुलता है, जो सुमित भाई ने छोड़ा था, सुमित भाई ने छोड़ा था, जो आज अमेरिका भाई बैठे हैं। तो देखिए सुमित भाई ने जो एक कटड़ा उसके साथ में वोटो में ऐड कर रहा हूँ, तो पंचायत में कटड़ा छोटा था, वो कटड़ा सुमित भाई के घर पे बंधा हुआ है, तो उस छोटे से गया पिंड भाई साहब। तो देखिए कितना टाइम भी आने का बाकी है भाई अभी दूसरे टाइम इसका? भाई 14 तारीख ना दिन पूरे, 14 तारीख को, यानी 4-5 दिन अभी बाकी है। चार तो देखिए 4 से 5 दिन भी आने के अभी बाकी है। एक बार पूरी भैंस आपको कवर करके दिखाऊंगा, देख सकते हो। देखिए जो आम पशुपालक के घर की जो भैंस है वो थोड़ा कैमरे को देख के डरी हुई, आप देख सकते हो चेहरा मोरा की क्वालिटी की बात करें, पीछे की तरफ पीठ उठाई क्वालिटी की बात करें वो भी आप देख सकते हो, नीचे से अडर की बात करें तो वो आप देख सकते हो। देखिए काफ़ी जोशी लेडर के साथ, एक बार फिर मैं दिखाऊंगा, तो देखिए साइड से आप देख सकते हो, थनों में स्पेसिंग की बात करें या पीछे से जो ऑर्डर की क्वालिटी वो आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी। तो एक बार जो खुल के भैंस चलेगी तो आप देख सकते हो, देखिए खुल के चलते टाइम जो भैंस का रोब स्टाइल है वो आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी खुल के चल रही है। जब भी हम पशुपालक के घर वीडियो बनाते हैं तो लगभग एक से एक शानदार पशुधन निकल के आया, आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी भैंस। तो देखिए जो खड़ा होने का रोब स्टाइल है वो भी आप देख सकते हो, आगे से बिल्कुल पतली पीछे से काफ़ी चौड़ाई, एक बार फिर नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा, तो देखिए अडर की क्वालिटी कैमरे को देख के थोड़ा सा डरी हुई है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन जो भाई ने अपने घर पे रखे हैं वो, और पशुधन भी पीछे आप देख सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी। तो अभी दूसरे ब्यांत में जो भाई ने बताया कि अभी 5-4 दिन ब्याने के बाकी है, तो देखिए अभी तक थनों में कोई डर वगैरह नहीं डाली, नीचे से अडर देखिए थोड़ा, अगर भैंस आराम से दिखाए तो काफ़ी जोशी लेडर की है जी, सभी भाई आप देख भी सकते हो, देखिए काफ़ी अच्छी भैंस है। अभी साइड से भी आप देख सकते हो, देखिए अडर में जो थनों में स्पेसिंग बिल्कुल चारों थन काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग में, देखिए बिल्कुल शो क्वालिटी जोटी आप इसे बोल सकते हो, पूंछ थोड़ी ही स्पेस ज़्यादा ज़रूर है लेकिन काफ़ी अच्छी भैंस है। तो भाई साहब अब की बार सेल करने का विचार है, अगर रखने का विचार है? सेल कराएँ भाई, सेल करनी है तो
रेट क्या रहेगा भाई साहब फिर इसका? रेट 2.5 लाख रुपये मांग, डिमांड 2.5 लाख रुपये की है। हाँ, तो अगर कोई भाई आके मौके पे तो उसका मान सम्मान, मान सम्मान जरूर कराएं भाई, जरूर करा जाएगा। हाँ। तो अब की बार राजेश भाई कितने किलो दूध की उम्मीद करोगे? 20 की तो साहब, 20 किलो दूध की, 20 किलो देना चाहिए मैं, 20 किलो दूध यानी आराम से देना, आराम से देना चाहिए। तो देखिए 20 किलो दूध राजेश भाई ने बताया देना चाहिए। साथ में भाई का जो एक बार फिर भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। 90 पूरे 500। हाँ जी, 31। हाँ जी, 697। तो देखिए जो राजेश भाई का नीचे कॉन्टैक्ट नंबर साथ में डाल दिया, कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो भाई से संपर्क कर सकता है। तो देखिए काफ़ी अच्छी भैंस है, तो ये भैंस आप भाई की देख सकते हो, ये भी काफ़ी बड़े साइज की काफ़ी अच्छी भैंस है। उसको भाई साहब सेल का कोई विचार नहीं? कोई सेल कोई विचार नहीं, ये एक ही भैंस सेल करें। तो देखिए राजेश भाई का जो साथ में नंबर चलिया हुआ है, कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो भाई से संपर्क कर सकता है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपसे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।